नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला में, इस क्रम में आपको एक एक बिंदु मैं समझाता हुआ चला जा रहा हूं। अब हमने घर की अंदर की सारी व्यवस्थाएं हमने बना ली, रसोई, स्नान घर, कमरे, बेडरूम, अध्ययन कक्ष, पूजा स्थान और ब्रह्म स्थान, हमारा जो है मीटिंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, हमने हर चीज़ के बारे में हमने विचार किया। अब आगे विचार करते हैं, अगर घर है तो घर के बाहर हमें बालकनी भी बनानी होगी, जिसको आप जो है झरोका कहते हैं, बरामदा कहते हैं, तो वो हम कहाँ बनाएं और कहाँ नहीं बनाएं, कौन सा हमारे लिए लाभदायी है और कौन सा हमारे लिए नुकसानदायक है, इस बात की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इसमें पॉइंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्थान की उपयोगिता होती है, स्थान का महत्व होता है, स्थान का गुण होता है और उसके आधार पर इसका जो है निर्माण होता है। तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि कभी भी आपको बालकनी बनानी है, क्योंकि आवश्यक भी होती है। कमरे से बाहर हम निकले, मार्ग को देख रहे हैं, रास्तों को देख रहे हैं, या हवा, फ्रेश हवा के लिए भी हम बाहर निकलते हैं, तो वो हम कहाँ बनाएं? तो वास्तुशास्त्र का नियम है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट बालकनी होती है। ईस्ट के अंदर भी आप बालकनी बना सकते हो, और अगर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो आप नॉर्थ के अंदर भी बालकनी आप बना सकते हो, लेकिन कहाँ नहीं बनाएं? अब इससे बची हुई जो जगह है वहां पर बालकनी नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? उधर का स्थान बढ़ जाएगा, और उधर से अगर हम इधर बालकनी बनाते हैं तो देखिए यहां पर धूप कब आएगी, जब सूर्य मध्य में आ जाएगा 12 बजे, उसके बाद उसमें प्रखरता हो जाएगी, यानी अग्नि तत्व प्रधान हो जाएगा, और यहां से सूर्य घूमता हुआ इधर आता है तो उसकी जो भी रेडिएशन है वो वहां पर गलत होंगी, नुकसानदायी होंगी। इसलिए हमें यहां से चलते हुए और इस साइड के अंदर हमें यहां तक, बल्कि पूरे पश्चिम के अंदर बालकनी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर किसी का पश्चिमाभिमुख मकान ही होगा तो फिर वो तो बालकनी बनाएगा ना, तो वो कहां बनाए? तो पश्चिम के अंदर वो बना सकता है, लेकिन कोशिश करो पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में ही बालकनी हो, और अगर दक्षिण मुखी मकान है तो बालकनी बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर बालकनी नहीं बनानी चाहिए। और अगर बना लेते हैं तो फिर दरवाजे हमेशा बंद रखिएगा, कम से कम उसके बाहर जाकर के आप बैठिएगा। यदि आप बालकनी को के अंदर झूला डालना चाहते हैं, क्योंकि फैशन है, झूला अगर डालना चाहते हैं तो उसको पूर्व पश्चिम दिशा के अंदर जो है, ये पूर्व पश्चिम, ये यहाँ जो बालकनी है उसका यहाँ पर, या पूर्व पश्चिम के अंदर पूर्व में आप जो है वो झूला डाल सकते हैं। पश्चिम की तरफ उसका मुंह हो सकता है, पूर्व के अंदर उसका मुंह हो सकता है, इस प्रकार से आप झूला डाल करके वहां पर रखें। और बरामदा, बालकनी या झरोखा, उसके कोने गोल नहीं होने चाहिए, कटे हुए नहीं होने चाहिए। आजकल फैशन बन गई है कि जो है मकान बनाते बनाते आदमी क्या करता है, वहां पर ऐसे आगे जाकर के इस बालकनी को जो है यूं गुलाई दे देता है। ये गुलाई अर्थात कोना काटना, ये अशुभ होता है। बिल्कुल चौकोर होनी चाहिए, ऐसे आकर के ऐसे होनी चाहिए, वो वही हमारे लिए शुभदायी होती है, गुणकारी होती है, तो इसका अनुपालन हमें जीवन में करना चाहिए। बरामदे के अंदर कोने जो हैं वो गोलाकार नहीं होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया। बालकोनी में अब क्या है, क्या क्या हम रख सकते हैं, तो उसके लिए वास्तुशास्त्र कहता है कि बालकोनी के अंदर अगर आपको रखने हैं तो छोटे गमले आप रख सकते हैं, जिसके अंदर तुलसी के पौधे विशेष करके, और ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हों, ऐसे पौधे जिनमें कांटे नहीं हों, ऐसे पौधे जो है आप छोटे छोटे रूप के अंदर आप वहां पर
रख सकते हो, छोटे गमले वहाँ पर रख सकते हो, बड़े गमले, बड़े वृक्ष, बड़े पौधे वो आप वहाँ पर ना लगाएं, तो आप जीवन के अंदर जो है सुख पाएंगे और समृद्धि को पाएंगे, उन्नत होंगे, उन्नति करेंगे। बाकी आपको मकान के बारे में, दुकान के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, गोदाम के बारे में, किसी प्लॉट के बारे में, चिकित्सालय के बारे में, स्कूल के बारे में, फार्म हाउस के बारे में, किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, कार्यालय की सेवा करें और उसके पश्चात जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। और आप अपना साइट विजिट करवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करके बुला सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये तीन पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये दो नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन तीन पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।